लोकसभा चुनाव 2019 में एक बार फिर से हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी चरण के मतदान में। और जैसा कि सारे ही चरणों में देखा गया कि एक के बाद एक कोई ना कोई नया बवाल खड़ा होता ही रहा है, तो वैसे ही आखिरी चरण भी इस चीज से दूर नहीं रहा है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान एक हिंसा हुई और उस पर भाजपा और तृणमूल में आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में हिंसा के दौरान तोड़ी गई ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति बनवाने का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति बनवा देंगे, लेकिन इस पर हो गया है एक और बवाल खड़ा। मोदी के इस बयान पर पलटवार करते हुए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि 5 साल में राम मंदिर तो बनवा नहीं पाए और विद्यासागर की मूर्ति बनवाना चाहते हैं। बंगाल के पास मूर्ति बनवाने के लिए पैसा है, क्या मोदी 200 साल पुरानी धरोहर लौटा सकते हैं? यहाँ पर बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह बयान इसलिए दिया है क्योंकि अपने एक रोड शो के दौरान अमित शाह ने कहा था कि बंगाल को कंगाल बना दिया है ममता बनर्जी ने, और इसी पर पलटवार करते हुए ममता बनर्जी ने कहा है बंगाल के पास मूर्ति बनवाने के लिए काफ़ी पैसे हैं, लेकिन क्या 200 साल पुरानी धरोहर लौटा सकते हैं पीएम मोदी? और साथ ही साथ यहां पर उन्होंने पीएम मोदी के उस वायदे पर तंज कसा है जो उन्होंने 2014 के मैनिफेस्टो में किया था कि वो राम मंदिर लाएंगे, और साथ ही साथ अब 2019 के मैनिफेस्टो में भी राम मंदिर लाने की बात कही है। तो अब देखना होगा कि 23 मई को वेस्ट बंगाल की जनता किसे चुनती है, क्या वो ममता सरकार होगी या फिर मोदी सरकार, एक बार फिर से देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। SPN 9 News से अनुश्रुति की रिपोर्ट।